यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, कैसा डाइपोल है इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल भी आएगा तो एग्जाम में तो उनको दोनों जो नाम जो है वो अलग अलग देने पड़ेंगे। जरा समझिए कंसेप्ट क्या है, सावधान। हमने कहा ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है ए बी, इट कॉन्स्टिट्यूट द करंट माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, देयर इज द मिड पॉइंट ओ और इसे एल और एल डिस्टेंस पर ही है, ड्यूअल डिस्टेंस पर है, और एक कोई पॉइंट कहीं पर भी है जो ओपी से थीटा एंगल बनाते हुए आर डिस्टेंस पर है, और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, ठीक है। फील्ड में भी एक कॉन्सेप्ट है, फील्ड का अलग तरीका दूसरा अलग की बात है, जरा सावधान। सबसे पहले तो आपको जब प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे तो आपको ये डिस्टेंस चाहिए वीपी, जो कि हमको नहीं मालूम, चाहिए ना, टेढ़ी मेढ़ी दूर भी हो सकती है, थोड़ा सा चाहो और दूर बना दो, थोड़ा सा दूर बना सकते हो, अच्छा लगेगा देखने में, अरे वाह क्या दूर पॉइंट है, है? कहीं दूर कोई पॉइंट मिल जाए, जरा सुनो ध्यान से, आपको ये दूरी चाहिए ना, बीपी चाहिए। तो बीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से हमने बी से एक इस लाइन पर खींचा परपेंडिकुलर बी एम, ठीक है, और इस प्रकार से खींचा, मतलब मैंने यूं समझे कि इसके बराबर बीएम काट लिया, मतलब जो ये दूरी है बीएम किसके बराबर है, ए बी के बराबर, हमने एक परपेंडिकुलर खींचा और यहां पर हमने क्या किया, यार जो हमने बीएम काटा है वो तो किसके बराबर काटा है, बीपी के बराबर, सुनने में, यानी कि अगर मैं बीएम की वैल्यू निकाल लू तो बीपी मिल जाएगा, चलेगा, मिल जाएगा ना, क्यों भाई सर कैसे निकाल लू, देखो जाए सो जरा पीएम निकालता हूं, हमको ये दूरी मालूम है ना उसे लेकर के पी तक, डायग्राम को ध्यान से देखिए, डायग्राम में लिखा है हमारे मुंह में, तो अगर मैं ओपी में से ओएम हटा देता हूं तो आपको पीएम मिल जाएगा, यानी इसको क्या करते हैं ओपी माइनस ओएम, चलेगा, ओपी की दूरी क्या है आर, अब ओएम कैसे निकाले, जरा ओएम निकालने के लिए थोड़ी मैथमेटिक्स लगाइए, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस एल है, उसके हिसाब से ये साइड क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल, अगर हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री में जाएं तो इस थीटा के हिसाब से ये साइड क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूज कहलाती है, ठीक है, और ये साइड क्या कहलाती है, बेस, यानी यहां क्या लगाती है, कॉस थीटा, तो इसको हम अगर यहां देखें किस ट्रायंगल में, ओ बी एम में, इन ओ बी एम में, इन ट्रायंगल ओ बी एम, अगर मैं यहां कॉस थीटा लगा देता तो क्या आता, बेस यानी कि ओएम अपान ओबी, ओएम अपान ओबी, ओएम की वैल्यू क्या निकलती है, ओबी कॉस थीटा यानी एल कॉस थीटा, यानी इसको एल कॉस थीटा लिखा जा सकता है, यानी आपको किसकी वैल्यू निकल आई, बीबी की वैल्यू निकल आई, समझ में बात नहीं आता, अब जब माइनस क्यू की वजह से निकालेंगे तो आपको ये डिस्टेंस मालूम होनी पड़ेगी, ये मालूम करना पड़ेगा आपको एपी, उसके लिए क्या करें हम, उसके लिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, छोड़ा इसको थोड़ा आगे बढ़ा दें, और यहां से हम किसके बराबर खींचते परपेंडिकुलर, और हम कहें ये हमने निकाल दिया, यानी बी एन बराबर किसके है, एपी, ठीक है, यानी कि एंड बी एन बराबर किसके है, एपी, तो अगर आपको एपी निकालना है उसके लिए क्या निकालें, केवल हम बी एन निकाल लें, अब पी एन निकालने के लिए थोड़ा मैथमेटिकल देखिए, पी ओ में से ओ एन प्लस कर दें, यानी कि पी ओ प्लस ओ एन कर दें, पी ओ तो आर है ना, अच्छा ये अगर थीटा है ये भी थीटा होगा, ये एल कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ, यानी कि आर प्लस एल कॉस थीटा, यानी आपको ये दूरियां निकल आई, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसकी वजह से ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज निकाल लिया जाए, क्या फॉर्मूला होगा, ई वन इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई, हम ड्यू टू चार्ज ले रहे हैं पॉइंट चार्ज, हम डाइपोल नहीं दे रहे हैं, ध्यान रखिए हम अलग अलग चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं ना, बाद में उसको ऐड कर रहे हैं, क्यू अपॉन देखिए प्लस क्यू से दूरी कितनी है,
बीपी और बीपी की दूरी आप क्या निकालते हैं, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बीपी कितना निकाला है आर माइनस एल कॉस थीटा एंड दैट ऑफ ड्यू टू माइनस क्यू। इससे पूरा स्टेटमेंट क्लियर हो जाता है ना, इसका मतलब ये वही स्टेटमेंट को लिखा है जो यहाँ पे लिखना है। तो बी टू कितना आएगा, माइनस में आएगा वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान ए पी और ए पी टू निकाल चुके हैं, अब क्या निकला आपने क्यू अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। समझ आई बात, इसे नोट कर लीजिए फिर आगे बात करें। अब देखिए अगर नेट पोटेंशियल निकालना चाहे, नेट पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या करेंगे आप, इन दोनों को उठा के प्लस कर दिया जाए, नीचे नहीं सके ऊपर ही लिखेंगे हम। चलिए क्लियर ना, देखिए वैल्यू को रख दिया जाए, इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन क्यू कॉमन, देखो ये क्या आएगा वन अपान आर माइनस एल कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस वन अपान आर प्लस एल कॉस थीटा। अब थोड़ा कैलकुलेट करिए, क्यू अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा आर माइनस एल कॉस थीटा आर प्लस एल कॉस थीटा, ये यहां पर आएगा आर प्लस एल कॉस थीटा माइनस आर प्लस एल, आर आर गई अपनी नानी की यहां नानी के राय ही आएगा वैज्ञानिक हो जाएगा नानी के यहां गए थे सर क्या पढ़े नहीं जाना पड़ेगा, ये आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करना है तो साथ में कॉस की वैल्यू भी नेग्लेक्ट करनी पड़ेगी, क्यों थीटा स्मॉल मान के, ठीक है तो नेग्लेक्ट कर दीजिए, नेग्लेक्टिंग एल स्क्वायर नेग्लेक्टिंग केवल नेग्लेक्टिंग लिख दो, सबको मालूम है कि आर की वैल्यू ऐसे वो छोटी है इसलिए नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सो वी की वैल्यू क्या आएगी, वी आएगी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या लिखा हुआ है वी, तो वी कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट आपने निकाल लिया, ठीक है। देखिए अगर मैं स्पेशल केस नंबर वन लेता हूं, जरा समझिएगा हमने जो पॉइंट माना है ना वो कहां माना है, एट एनी पॉइंट, ठीक है। पॉइंट चेंज होगा क्या चीज, यहां चेंज होगी थीटा चेंज होगा, क्योंकि हम यहां से इसकी डिस्टेंस आर ही मान रहे हैं, लेकिन थीटा चेंज हो जाएगा। अगर मैं इस पॉइंट को कह दूं कि ऑन एक्सियल पोजीशन, अच्छी स्थिति के बारे में बात करूं, ऑन एक्सियल पोजीशन यानी इफ पी इज ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल यानी अच्छी स्थिति में है, एक्सियल पोजीशन का दूसरा नाम क्या था, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन नहीं एंड ऑन पोजीशन, तो उसमें थीटा क्या हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू वन जीरो। जरा इसी क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन वन को वाई क्वेश्चन वन, वी की वैल्यू क्या आएगी वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपान आर स्क्वायर। अब बताइए आपने यही प्रूफ तो किया है, ठीक है। अब आप कहेंगे एक बढ़िया सी चीज बताएं, हमसे एंड ऑन पोजीशन पूछा जाए, आ गया एंड ऑन ऑन द एक्सियल पोजीशन, तो हम क्या करें, पूरा ड्रामा आपने बताया उससे बेहतर अच्छी चीज क्या है, वी नो दैट एट एनी पोजिशन दिस इज द पोटेंशियल और एट एंड ऑन थीटा इज जीरो, वी गेट द आंसर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चलेगा तब जब या तो पूरा प्रूफ करके लाओ तुम और तब थीटा को जीरो रखो, चूंकि एंड ऑन का डायरेक्ट प्रोसेस होता है तो उनका एक लिए प्रूफ कर देना, ठीक है। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस यहां लिख दें, याद देखिए यहां लिख रहे हैं ऑन ऑन ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन जिसको कि हम कहते हैं निरक्षी स्थिति या दूसरा क्या नाम अंदर दर्पस्थ कुछ है, तो थीटा क्या हो जाएगा 90 तो हम तारा जीरो, तो बी बराबर क्या होगा जीरो, वो बी को जीरो मान रहा था, फाइनल बता रहे थे वो थीटा के लिए,
नेट चार्ज जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो नहीं होता, वर्क जीरो, नेट पोटेंशियल नॉर्मल। क्वेश्चन ये है कि जो बीपी डिस्टेंस है उसके बराबर आपने यहां से खींचा परपेंडिकुलर, और आप कह रहे हैं कि जो पीएम है वो बीपी के इक्वल है, यही तो आप कह रहे हैं। तो इनका कहने का मतलब है ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के सामने की साइड इस साइड के इक्वल हो कह सकती है। तो उसके दो आंसर है, पहला आंसर बुक में लिखा है हो सकती है, तो हो सकती है। जैसे हम लोग कभी प्रैक्टिकल अगर कराएं केमिस्ट्री का, बोले देखो ये साल्ट है, इसमें H2O3 डाला और काले रंग की धुआं, काले रंग की उसमें गैस निकलती है और निकल रही थी भूरे रंग की। अब लड़का कह रहा था साहब वो तो काले रंग की निकलने पर, इधर हमने क्या बोला काले रंग की, तो कौन सी निकलेगी काले रंग की, मान तक देख काले रंग की गैस निकल रही है, देख रहा था। तो उसने जो टीचर बड़े थे थोड़ा केमिस्ट्री चुका पढ़ाते थे 10th क्लास की बात मैं बता रहा हूँ, तो उसने उनसे शिकायत की सर वो निकलती भूरे रंग की हो, सर कहते काले रंग की, बताओ काले रंग की नहीं तो मारते, कहते काला ही देखो अगर हम कहें तो। भाई ये बताओ अगर साल्ट 10 साल पुराने रखे हैं, मैनेजर से कहा जा रहा है कि साल्ट बदली होगा अगर इसी में काम चलाओ, तो फिर यार जो हम कहेंगे वही कलर तो निकलेगा। तो एक तो बुक में लिखा हुआ इसलिए बराबर है, याद हो गया। दूसरा सब समझिएगा, ये डाइपोल की डेफिनेशन क्या बताई गई है कि दे आर वेरी क्लोज डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस बहुत क्लोज है। तो बहुत क्लोज डिस्टेंस होती है ना, जैसे मान लिया एक ये डिस्टेंस है और दूसरी ये डिस्टेंस है, आपको अगर इक्वल काटना है तो यहां से ऐसे काट दीजिए आप, तो एक्चुअली दोनों ही 90 डिग्री में होंगे, नहीं होंगे, वो इतने क्लोज होते हैं कि उन्हें इक्वल मान लिया जाता है, समझे माने। तो ये जो दूरी है भाई आप 2L क्या बताते हो, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, और 2L से कम आधा और शॉर्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंसेस बहुत छोटी हैं, इसलिए ये दोनों लाइनें बहुत नजदीक मानी जाती हैं ऐसे, इसलिए ऐसा खींचते पर दोनों इक्वल मान लिया जाता है, ठीक है। ये अजम्पशन है आप फिजिक्स का अजम्पशन, समझ में आई बात है।